हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेक खां। तो दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक ने। दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष था गाजी मलिक और इसने एक तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक लगभग 92 वर्षों तक देश पर शासन किया। यह समय किसी एक वंश का सबसे लंबा टाइम है, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेदिक विज्ञान का जो है ज्ञान था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आमिर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? आमिर ए कोही। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे, यह कृषि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलताबाद। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपने नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था, यह पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, सभी जो एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे किए हैं वो सब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसीलिए पागल बादशाह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बहलोल लोधी? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे जो है इब्न बतूता भारत आया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को देश का रहने वाला था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया है? दोस्तों, डाक व्यवस्था का जो वर्णन दिया है वो किसने दिया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बरनी? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूना बतूता नहीं दो है, डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है, इसको भी याद रखेंगे, इब्न बतूता डाक व्यवस्था। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन है? दोस्तों,
यूसुफ शाह को बताना है कहाँ दफन है वर्तमान समय, पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर या नालंदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा। दोस्तों नालंदा में जो है यूसुफ शाह दफन है वर्तमान समय में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों होली त्योहार में जो भाग ली थी कौन सा, किस सुल्तान ने ली थी सबसे पहले बताएंगे, सिकंदर लोदी, फिरोजशाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले होली में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या शेर शाह सूरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बदायूनी ने जो है लिखा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी। दोस्तों बेरोजगारों के लिए सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो है हर व्यक्ति को रोजगार देने की प्रथा स्टार्ट की थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिसाब से काम देता था, तो उसको याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो दान दक्षिणा का काफी ध्यान रखता था और उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और बहलोल लोदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दान दक्षिणा पर काफी ध्यान दिया था और उसने दीवाने खैरात की व्यवस्था की थी। दोस्तों दीवाने खैरात एक विभाग था, उसकी स्थापना की थी, जो खैरात जो है गरीबों में बांटते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, इसने प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था से जोड़ा था, दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सबसे पहले लोक निर्माण विभाग इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज्यादा नहर या नहरों का जाल जो है इसने भारत में फैलाया था, नहरों के जाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हफ्स ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था और उस पर सिंचाई कर भी सर्वप्रथम लगाया था, तो दोस्तों सबसे पहले सिंचाई कर दिल्ली का प्रथम सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है लगाना स्टार्ट किया था, इसको याद रखेंगे दोस्तों, बार बार जजिया कर के बारे में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे?
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है बहुत प्रयास किए थे, इसको याद रखेंगे, और फलों के वृक्ष भी इसने सबसे ज्यादा लगवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टापर तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? दोस्तों टापर और मेरठ से जो है दो अशोक स्तंभ थे वो दिल्ली लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही जो है अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आए थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है मुस्लिम लोगों के लिए हज की व्यवस्था दोस्तों राज्य के खर्चे पर ही व्यवस्था की थी, तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दोस्तों दारुल शफा किसको कहा जाता था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। दोस्तों एक खैराती अस्पताल को जो है दारुल शफा के नाम से जाना जाता था और इसमें जो है सभी का इलाज जो है होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों तुगलक राजवंश का लास्ट या अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या जो की थी वो तैमूर ने की थी। दोस्तों तैमूर बादशाह था, इसकी हत्या की थी। चलिए इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? दोस्तों किस वंश को जो है तैमूर के आक्रमण के बाद स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। दोस्तों तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।